Hey everyone, very good morning to all of you. I am Aishwarya Saxena and very very welcome to my vlog. Today is 27th of October 2022 और इस वक्त बजा है सुबह का 7:04. तो सुबह का बजा है 7 और आज का व्लॉग होने वाला है काफ़ी डिफरेंट, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक 24 आवर अलोन इन माई होम. सिंपली माई पेरेंट्स आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, सो मेरी सिस्टर भी जाएगी, बट आई एम गोइंग टू बी एट होम. सो मैं क्या करती हूँ इन 24 घंटे में, दैट आओ आई एम गोइंग टू इन्जॉय दैट सिंपली टाइम और एवरीथिंग. सो स्टे ट्यून्ड इन दिस व्लॉग. एज आई सेड, अभी बजा है सुबह का 7, तो अभी तो सब घर पे हैं, सब आई थिंक 11-12 बजे से पहले तो कोई नहीं जाने वाला, अभी तो सब घर ही पे हैं. तो अभी तो मैं जा रही हूँ दूध परचेज करने, मिल्क ब्रेड वगैरह, अपनी सिस्टर के साथ जाऊँगी. And after that the normal routine, but I will show you everything in this vlog, so stay tuned. तो ये हम आ गए हैं अपनी फेवरेट सी मिल्क शॉप पर. यहाँ पर देखिए कितना सारा आइटम रहता है, लाइक जो भी लेना हो मॉर्निंग रूटीन से रिलेटेड, ब्रेड, बिस्किट, बन, मैगी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी रखते हैं ये, और नाश्ते वगैरह काफ़ी कुछ रहता है इनके पास. तो मैं यहीं आ जाती हूँ. सो फ्रेंड्स, बजा है सुबह का 9:15 और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ कुछ स्वीट्स वगैरह परचेज़ करने और थोड़ा जलेबी वगैरह परचेज़ करने. सो लेट्स गो. तो रास्ते का मैं नहीं दिखा पाई, बट मैं अभी लेकर आई हूँ बालाजी से जलेबी, खस्ते, तो ये सब खाने वाले हैं. और मैं बना रही हूँ सैंडविचेस, लाइक पनीर का सैंडविच बनाऊँगी मैं, और जिसे खाना होगा वो खा भी सकता है. ऑल्दो मम्मी पापा जा रहे हैं तो मैंने कहा आप रास्ते में ले जाइएगा. तो ये मैं पनीर, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया वगैरह सब अच्छे से फ्राई करके और इसके सैंडविचेस रेडी कर रही हूँ. तो ये मैं तो खाऊंगी ये. मैंने खस्ता जलेबी नहीं खाया था, मुझे नहीं पसंद है. मैं सैंडविच खाऊंगी और जिसे ले जाना है लाइक टिफ़िन के लिए मैं रख दूँगी उनके रास्ते के लिए. तो पापा ने कहा मेरी शर्ट और पैंट प्रेस कर दो, मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ, तो वही मैं कर रही थी. सो फ्रेंड्स, 12:15 के करीब मेरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो लाइक निकल गए आउट ऑफ स्टेशन जहाँ उन्हें जाना था उसके लिए. और अभी बज रहा है 1:05 है. सो सिंपली मैंने मॉर्निंग में बनाए थे सैंडविचेस सबके लिए, तो मैंने आपको दिखाया. और अभी मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने कहा थोड़ा कुछ खाते हैं. तो मैंने अपनी फेवरेट मैगी बनाई है, चिकन मैगी, और ग्रीन टी बनाई है, और आई एम वॉचिंग माई फेवरेट शो, दैट इज डोरेमोन इटसेल्फ. तो ये रही मेरी चिकन मैगी जिसको मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, और मैं ग्रीन टी ले आई हूँ, एंड आई एम वॉचिंग डोरेमोन. ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट शो है, एज आई सेड दैट. बाय द वे, आप लोगों ने चिकन मैगी खाई है कि नहीं? लाइक चिकन मैगी तो सिंपली मैगी में ही एक फ्लेवर आता है, जस्ट लाइक टैंगी टोमेटो एक्सेट्रा, उसी तरीके से चिकन नूडल्स आती हैं मैगी की. तो आपने वो चिकन नूडल्स खाई हैं और आपको कैसी लगती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. तो मैगी और ग्रीन टी के बाद मैंने देखा कि जलेबी बची थी, क्योंकि जलेबी बच गई थी, मैंने नहीं खाई थी उस वक्त, तो मैं अब ये खा लेती हूँ. फ्रेंड्स, आफ्टर ईटिंग जलेबी मैं सो गई थी, और मतलब मैं डोरेमोन देख रही थी और डोरेमोन देखते देखते मैं सो गई. काफ़ी थकान थी आजकल, लाइक थोड़ा इधर काफ़ी दिन से नींद डिस्टर्ब चल रही है, क्योंकि लाइक फेस्टिवल्स और हॉलीडेज़ में ऐसा हो जाता है कि देर भी हो जा रही थी फेस्टिवल में सोने में. तो इधर दो रात की नींद अगर आपकी पूरी ना हो तो नींद डिस्टर्ब ही हो जाती है. अदरवाइज़ नॉर्मल डेज़ में तो मैं दोपहर में नहीं सोती, क्योंकि मेरा तो ऑफिस टाइमिंग ही होता है 2 से 2 to 9. तो क्योंकि मेरा ऑफिस टाइमिंग ही दोपहर से, तो मेरा सोने का तो कभी कुछ हुआ ही नहीं. बट अभी क्या हुआ, अकेले भी थे और सिंपली इधर 2-3 दिन से नींद भी काफ़ी डिस्टर्ब थी, तो मेरी आज भी आँख लग गई दोपहर में. तो सिंपली अभी मैं उठी हूँ और अभी बजा है 2:51. सो सिंपली 3 बजने जा रहा है, और मैं अभी अपने लिए वापस से एक कप ग्रीन टी बना के लाई हूँ ताकि मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाऊँ, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि लेट्स सी क्या करते हैं. सो मैं बना लाई हूँ अपने लिए एक कप ग्रीन टी. फ्रेंड्स, अभी बज रहा है 4 और या इट्स ऑलमोस्ट टू बी 4, और अभी मैं आ गई हूँ अपने स्टडी रूम में. और सिंपली हमारे साथ है यहाँ पर ब्रूनो, यूजुअली मेरे साथ अंदर रहती है पफी, बट आज पहली बार लाइक ऐसा होगा कि ब्रूनो मेरे साथ अंदर होगा फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि वैसे मैं ब्रूनो को अंदर रखती नहीं,
क्योंकि ये काफ़ी खुराफाती है और मेरी नज़र हटती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है कमरे में, या तो कुछ तोड़ देगा या तो कुछ काट देगा। और पफी ऐसा तो फिलहाल कभी नहीं करती, वो बैठी रहती है, देखती रहती है, सो जाएगी, खेलेगी। बट ब्रूनो काफ़ी कुछ करता रहता है उधम, तो ऐसा मैं करती हूँ कि उसको अंदर कभी रखती हूँ, मतलब बहुत रेयर अंदर उसको मैंने किया होगा। ब्रूनो को जब भी किया है उसने कुछ गड़बड़ ही किया है, बट आज मैंने वापस ब्रूनो एक्चुअली अंदर आ गया और फिर मैंने कहा चलो ठीक है आज तुम ही रहो। दोनों को साथ एक से कह नहीं रख सकते, दे आर लाइक एनिमीज, बहुत लड़ते हैं एक दूसरे से, फिर मैं उनकी लड़ाई और झगड़ा ही सुलझाती रह जाती हूँ। तो लेट्स सी आज क्या होता है। आज ब्रूनो हमारे साथ है और वैसे मुझे पफी के साथ टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो शांति से बैठी रहती है, खेलती रहती है, ओबीडियंट है, ये भी ओबीडियंट है, बट ये एक बार में नहीं मानता है, इसका मन नहीं होगा तो ये नहीं सुनेगा। अभी तो ब्रूनो खाने में बिजी है। ब्रूनो ये ले लो। ओ बेचारा पानी पी रहा है, वैसे भी डॉग्स को खाते वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ब्रूनो सो ये अभी शांति से बैठ गया है तो मैं उसे शांति से बैठे ही रहने देती हूँ क्योंकि ये सामने बैठा रहता है और ये अकेले में गड़बड़ करता है। जब नज़र हटती है इंसान की तब ये गड़बड़ शुरू करता है। सो लेट हिम रिलैक्स, क्योंकि कमरे में अंदर मेरे साथ ये रेयर रहता है तो आज इसे नया नया लग रहा है तो ये काफ़ी इंजॉय कर रहा है। अरे वाह ये क्या कर रहा है यार। और मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं कुछ स्केच वगैरह, लाइक स्केचिंग क्या ही बोलूँ, मैं थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस करने जा रही हूँ जो लाइक मुझे डेली प्रैक्टिस करना होता है। मैं दिखाती हूँ आपको। सो क्योंकि एज आई सेड आई एम रियली अ बिगिनर तो मैं अभी ये लाइन वगैरह प्रैक्टिस करती हूँ। सो शाम का बज गया था 6:15 और मुझे वापस से भूख लग रही थी तो मैं जो बची हुई चिकन मैगी रखी थी उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनो वगैरह डाल के बना लाई हूँ और ग्रीन टी भी ले आई साथ में। फ्रेंड्स शाम का बज रहा है 7, आप देख सकते हैं इट्स अबाउट टू बी 7, 7 बज ही गया है। और अभी अभी मैंने लाइक आपको दिखाया कुछ देर पहले मैंने पी थी ग्रीन टी और माई फेवरेट मैगी। लाइक एक्चुअली इतनी भी फेवरेट नहीं है मेरी मैगी, बट जब मैं घर में अकेले होती हूँ तो दिन भर में लाइक एक बार नहीं, एक्चुअली एक दिन तो मैं पूरे दिन मैगी ही खाती हूँ, ये रिकॉर्ड बन चुका है अब तक। और दो इस बार मैं एक दिन से ज़्यादा के लिए घर में अकेले नहीं हूँ और सिंपली टुमारो एवरीबडी विल बी कमिंग बैक। सो आज तो मैंने दोनों टाइम मैगी खाई है। लाइक मे भी रात में मैं क्या करती हूँ मुझे भी नहीं पता, तो मैंने अभी शाम को 6:30 के करीब मैगी और चाय ग्रीन टी पी थी। सो इट वॉज क्वाइट गुड। मैं एक दिन तक मैगी तो झेल सकती हूँ, दो टाइम तो मैं मैगी दिन भर में खा ही सकती हूँ, तो डैट वॉज लाइक इट। एंड अभी क्योंकि 7 बज गया है और मैं सोच रही हूँ मुझे एक्चुअली कुछ सामान लेना था तो मैं बाहर जाने की प्लान कर रही हूँ, तो मुझे कुछ स्टेशनरी का सामान लेना था तो अभी चले चलते हैं क्योंकि 7 बज गया है, नहीं तो फिर काफ़ी देर हो जाएगी क्योंकि मैं जाऊँगी तो थोड़ा टाइम तो मुझे मार्केट में भी लगेगा। सो लेट्स मूव और देखते हैं जो मुझे चाहिए क्या क्या मिलता है, ऑल्दो बहुत बेसिक चीज़ें लेनी है बट लेट्स सी। तो मैं लेकर आई हूँ अप्सरा पेंसिल का एक एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल का बॉक्स और दो इरेजर डॉम्स की मैं लेकर आई हूँ, यही लेने गई थी मैं क्योंकि मैं न्यू पेंसिल लेकर आई तो मैंने कहा चलो उसको ट्राई करते हैं कितनी डार्क है कितनी लाइट। ऑल्दो मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या बनाऊं तो मैंने पफी की ही पिक बनाई है और सिंपली मैंने पफी की पिक ड्रॉ की है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये डॉग की इमेज आपको कैसी लग रही है और मैं कैसी स्केचिंग कर पाई। जैसे कि मैंने बताया आई एम रियली अ बिगनर सो मुझे ज़्यादा तो आइडिया नहीं है, आप बताइए कमेंट में। सो स्टेशनरी शॉप से आने के बाद मैं वापस स्टडी में बैठ गई थी और वहाँ पर मैं पफी के साथ खेल रही थी और थोड़ा बहुत स्केच लाइक मैं कर रही थी, पफी की ही स्केच मैं बना रही थी। नई जो पेंसिल्स मैं लाई हूँ मैं ट्राई कर रही थी, एक्चुअली वो एक्स्ट्रा डार्क है और तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं तो अभी सीख रही हूँ, तो लेट्स सी जितना हम बनाएंगे उतना रिफाइन होगा। तो आई हैव जस्ट लाइक गोइंग थ्रू दिस हॉबी, मेरी हॉबी है तो आई एम ट्राइंग टू लिव माई हॉबी। अभी बज रहा है 8:30 सो लेट्स सी, अभी तो टाइम है 1.5 घंटे मेरे ख्याल से, उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो मुझे भूख वगैरह कुछ लग नहीं रही, 6:30 बजे मैंने मैगी खाई थी और मैगी खाने के बाद तो वैसे भी काफ़ी घंटे भूख नहीं लगती है, तो अभी मैं सोच रही हूँ देखती हूँ टीवी में डोरेमोन आ रहा होगा तो डोरेमोन देखूंगी एंड लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। बेसिकली अभी तो मैं जाके ग्रीन टी बनाने जा रही हूँ बिकॉज मेरा काफ़ी मन हो रहा है ग्रीन टी पीने का। वैसे तो आज मेरा ऑफ है लेकिन थोड़ा सा काम बता दिया था अर्जेंटली सर ने तो मैंने फटाफट वो रूम वाला काम किया और डोरेमोन एक्चुअली चल रहा था तो मैं वही देख रही थी, मैंने म्यूट कर दिया फिर मैंने काम किया। और सर का काम करने के बाद मैंने कहा भाई फूडीज किचन डिलाइट चैनल वाला कुछ काम पेंडिंग था तो मैं वो भी निपटाने लग गई, ये भी ज़रूरी है।
सोच रही हूँ ये पेपी टोमेटो जो मंगाया था आज डिनर में मैं यही खा लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, रात का बज गया है 10:16 और सिंपली मैं अब जा रही हूँ डिनर करने, और डिनर में मेरा लाइक होने जा रहा है ग्रीन टी विद ओट्स। तो मैंने अभी आपको दिखाया, मैं ये वाला पैकेट, मैंने लाइक पूरा पैकेट नहीं ऑब्वियसली, अपने लिए एक बोल ओट्स बनाए हैं पेपी टोमेटो फ्लेवर, तो मैंने इस बार दोनों मंगवा लिए थे। मसाला ओट्स क्लासिक वाला तो मैं खाती हूँ, इस बार मैंने पेपी टोमेटो भी मंगाया। वैसे यूजुअली मैं पेपी टोमेटो कम पसंद करती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभार जस्ट फॉर अ चेंज अच्छा लगता है, तो मैं यही डिनर करने जा रही हूँ। उसके बाद टीवी देखूंगी थोड़ा बहुत, वैसे यूजुअली तो मैं नहीं देखती, बट हाँ आज मैं टीवी वाले रूम में ही बैठी हूँ, तो थोड़ा बहुत लाइक कार्टून वगैरह डोरेमोन शिनचैन एक्सेट्रा जो आ रहा है मुझे काफ़ी पसंद है, तो वही मैं देख रही थी। और फिर मैं थोड़ी देर बाद प्रोबेबली देखते देखते एक घंटे बाद लगभग सो ही जाऊँगी। सो दिस इज़ माई डिनर, ये है हमारा पेपी टोमेटो फ्लेवर का ओट्स और हमारी ग्रीन टी, माई ऑल टाइम फेवरेट। सो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। बाकी कल कंटिन्यू होगा कि मैं बचे हुए डे में क्या करने वाली हूँ, ऑल्दो अभी तो मैं सोने जा रही हूँ डिनर करके, तो सिंपली उसके बाद मैं सो ही जाऊँगी। सो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने पर ही आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।